दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे नेट फ्रेमवर्क के बारे में। कुछ लोगों का इशू आ रहा है कि हमारा जो जब हम नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। ये दो तरह का इंटरफेस खुलता है, ब्लॉकिंग इशू और इनस्टॉल डिड नॉट सक्सेस। ये दो तरह का, तो जिनका इनस्टॉल डिड नॉट सक्सेस है वह 4.7.2 ना इंस्टॉल करके 4.8.2 इंस्टॉल करें, और अगर फिर भी नहीं होता है ये ब्लॉकिंग वालों का और ये दोनों, तो आपको दो तरह का तरकीब अपनाना होगा। पहला पहला आपको करना क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा एमएस का। आपको पहला काम ये करना है कि विंडोज 7 सर्विस पैक 1 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कैसे करना है, आपके सामने ऐसे खुलेगा इंटरफेस। उसके बाद में आपको करना होगा, यहाँ जाके देखिए, अगर आपका 86 बिट है तो 86 बिट, अगर 64 बिट है तो 64 बिट जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से जाके आप, यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, एक स्टेप ये है। और अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो एकदम सिंपली आपका नेट फ्रेमवर्क 4.8.2 इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं आपको दो सेटअप बताने वाला हूँ, वह सेटअप आप ध्यान से देखें। पहला सेटअप ये है कि आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा, प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम एंड फीचर्स, और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर साइड में आपको टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ का बटन दिखेगा, यहाँ ऐसे क्लिक करिएगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर उसके बाद में इस विंडो में आपको एक दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 3.5.1, इसको आपको टिक कर देना है और फिर ओके कर देना है। ये हमारा थोड़ा कुछ समय लेगा और लगभग 30 से 40 सेकंड लेंगे, तब तक के लिए मैं वीडियो को जो है स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो है अब यहाँ टिक आ गया है, आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 3.5.1 पे टिक आ गया है। उसके बाद में आपको ओके कर देना है। फिर दूसरा सेटिंग आपका जो है वो ये है कि आपको यहाँ जाना होगा और लिखना होगा REGEDIT, REGEDIT, उसके बाद में इंटर कर देना होगा। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस खुल के आएंगे। तो आपको जाना है लोकल मशीन, लोकल मशीन के बाद में आपको जाना है सिस्टम पे, सॉरी, आपको जाना है सिस्टम पे। सिस्टम के बाद में आपको जाना है कंट्रोल सेट 1 पे, यहाँ क्लिक कर देना है। सिस्टम के बाद में आपको जाना है कंट्रोल सेट 1 में। कंट्रोल सेट 1 के बाद में जस्ट उसके नीचे आपको कंट्रोल दिखेगा, वहाँ क्लिक करिएगा। और फिर आपको यहाँ विंडो खोजना है कि विंडो आपका कहाँ लिखा है, विंडो यहाँ लिखा हुआ है। विंडो में जाने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको CSD वर्जन पे क्लिक करना है डबल, और आप देखेंगे यहाँ आपका 0 रहेगा, यहाँ आपको 100 कर देना और फिर ओके कर देना है। इतना प्रोसेस होने के बाद में आप अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करिएगा और फिर नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, सर्विस पैक 1 अपने में इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद में नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको आप जो है फॉलो करें, और मैं सारे ड्राइवर का, नेट फ्रेमवर्क का और सर्विस पैक 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर हमारी वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, अगर आपका सिस्टम सही हो गया हो तो।